आप सब सोच रहे होंगे कि आज श्रुति के साथ लड़के और वो भी दो दो भाई, ये है ईमान एंड अभिषेक, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट्स एंड द करंट हार्ट थ्रॉब्स ऑफ द नेशन। भाई आज मेरी इन दोनों के साथ डेट है। दोनों के साथ बांट लेंगे हम आधा आधा सनम। किसको बांटेंगे, इसको बांटेंगे, पागल हो गए हो तुम? आज तक बचपन से मैंने कुछ भी नहीं बांटा। मम्मी ने कहा था कि रोटी बांट लो, वो भी नहीं बांटा। दोस्तों ने कहा चॉकलेट बांट लो, वो भी नहीं बांटा। मैं इतनी सुंदर लड़की मैं कैसे बांट सकता हूँ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। शाहरुख खान। अरे देखा जो तुझे यार दिल में बजे गिटार। देखा जो तुझे यार दिल में बजे गिटार। तो मोहम्मद कुमार का गाना ये मीका की आवाज में गा रहे हो? अरे सुनील शेट्टी, इसका कुछ नहीं आता है। अब मैं सुनाता हूँ, तुम सुनाओ, मैं इसको लेके जाता हूँ ना। क्या बात है, सुनाओ। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो गरीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो गरीब आओ, कभी तो गले से गाओ, कभी तो तुम सुर लगाओ। क्या कह रहा भैया तू? सुर किसको लगाते हैं? मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सुर, सुर किसको बोलते हैं? पगले तू क्यों रो रहा है? अब तो हर पल ये इसकी याद सताती है, अब तो हर पल ये इसकी याद सताती है। चुप चुप चुप, ये गाना है, गाना सुन। अरे कब तक जवानी छुपाओगे राने? कवारों को कितना सताओगी रानी? समिल क्या गाओ। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी? कवारों को कितना सताओगी रानी? कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करोगी। घोड़े तेरे, अरे घोड़े तेरी, घोड़े तेरे, अरे घोड़े तेरी, घोड़े तेरे, शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, शादी कर। मैं तुम दोनों में से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम दोनों अभी बच्चे हो। बच्चे? हाँ, और तुम्हारी आज डेट मेरे साथ नहीं, कॉमेडी सर्कस के साथ है, क्योंकि आज है कॉमेडी सर्कस का म्यूजिकल पैरोडी स्पेशल। जजेस, स्टूडियो ऑडियंस, ईमान एंड अभिषेक हैव सेट द मूड फॉर टुडे, बट बिफोर वी बिगिन लेट्स हियर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर जजेस जॉनी लीवर, सतीश शाह एंड अर्चना पुरन सिंह। थैंक यू सो मच, थैंक यू जजेस। सबसे पहले वो जिनको देखते ही हार्ट बीट डबल हो जाती है और सीटियां ट्रिपल, लटके झटके वाली बाग गर्ल तरन्नुम करिश्मा और बिखरा कवाल ख्याली, जो अपनी बार गर्ल के लिए गाएगा बार बार कवाली। तो इन दोनों को वेलकम कीजिए विद ढेर सारी ताली। अरियल जवानी मोरे सुखी सुखी जाए रे, सैया हमार मोहे पानी ना पिलाए रे, जेठ महीना है सर्दी लगाए ले, जेठ महीना है सर्दी लगाए ले, कुआ मां डूब जाऊंगी, कुआ मां डूब जाऊंगी, कुआ मां डूब जाऊंगी। बंद करा लाहौल ब्लैक कुआं, इतना लंबा कुआं हिंदुस्तान में बना जिसमें तू डूब जाए। चले ये बता ना, तेरे को मेरा डांस कैसा लगा? हमारे मेरे गांव की याद आ गई। क्यों? हमारे गांव के किनारे पे हवा चलती है ना, बांस के पेड़ ऐसे ही लहराते हैं। तेरी तो चल ये बता कि तेरे माँ बाप मेरे को देखने के आए थे तो शादी के बारे में क्या कहा? बोलना बोलना। सत्यानाश कर दिया तूने कमबख्त मारे। माँ बाप देखने आए थे, बाप बाप अब्बा जान देखने आए, क्या बोली तू उनको? क्या बोला? मैंने तो कह दिया देख ले लाहौल बिला कुव्वत,
आंखों में आंखें डाल देख ले, हर पल है जीना यार याद खमाश तेरी तो। अम्मा वो आपको देखने आए थे, आपके जलवे देखने नहीं आए थे। क्या देख ले, हमारी अम्मी की तो शर्म के मारे आंखें झुक गई थी। अच्छा, लेकिन तेरा बाप तो टकटकी लगाकर देख रहा था मुझे। उसने तो दो दो रुपए के नोट भी निकाले थे मुझ पर लुटाने के लिए, कंजूस कहीं का। हम खानदानी कवाल हैं, जब लोग दो दो के नोट हमारे ऊपर फेंकते हैं तो हम सो सो के कहां से फेंके। तेरी माँ ने एन मौके पे टांग अड़ाई, वरना मेरी तो शादी हो जाती आज। अम्मा वो तो हमारी अम्मी जान कंफ्यूज हो गई थी, उनके समझ में नहीं आया घर में बहू आ रही है कि सोतन। चल ये छोड़, ये बता कि तू मेरे माँ बाप को मिलने गया था तो ये तेरे साथ 12-12 लोग क्यों खड़े थे? अम्मा कवाल लोग हैं, पीछे तालियां बजाने के लिए लोग तो चाहिए हमें। तो फिर हनीमून पर तो अकेला आएगा ना, कि वहां भी आएंगे 12-12 लोग ताली बजाने। वो 12 लोग अगर मेरे साथ नहीं होते तो बस तुम्हारी अम्मी जान ने तो। क्या मेरी अम्मी जान? क्या क्या मेरी जोहर जबी हा! तुझे मालूम नहीं हा! मेरी हर बात पे वो कर रही थी हाँ, मेरे चक्कर में लग रही थी तेरी माँ। मेरी माँ? वो भी तेरे चक्कर में? ये हो गया क्या? हाँ, 9 साल पहले मैं तेरी माँ का यार था, तेरी माँ का यार था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। हलकट अम्मा, अपने आप को हूर परी समझती हो? हाँ। हमारे गांव में जब मुझे देखने आई थी, गांव के कुत्तों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। क्यों? इससे पहले इतना लंबा खंबा देखा ही नहीं था। चल जा, मैं तेरे से शादी नहीं मनाएगी, जा। अम्मा एक बात सुनो, हम अभी म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, उसमें तुम्हें डांस का मौका नहीं मिलेगा। चल ठीक है, भाव मत खा, मैं तेरे से शादी बनाएगी, लेकिन मैं तेरे वीडियो एल्बम में काम करने के लिए पैसे लूंगी। हाँ बोल, कितने देगा? अम्मा 20,000 रुपया दे देंगे। और लुटाएगा कितना? अम्मा ये वीडियो एल्बम है, कोई मुजरे का प्रोग्राम थोड़ी हो रहा। चल ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। चल रिहर्सल, हाँ, रिहर्सल करते हैं अभी। चल मैं रेडी हूँ। हाँ रिहर्सल करते हैं, बढ़िया सा नाच के दिखाओ। चल। वो आए हमारी कब्र पे, ए बातचीत बंद कर, गाना गा। हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, कल कल बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, कल कल। कवाली कीड़े, कवाल का कवाल ही रहेगा। तेरे को कोई अच्छा रैपचिक पॉप बिल्कुल लेटेस्ट गाना नहीं आता क्या? आता है ना। गा। जुदा हो के भी तेरी तो तू मुझ में कहीं बाकी है, तेरे आंखों में आंसू जो पलकों पे चले आते हैं। क्या कहूँ मैं आपकी अदाओं का, हा? और आपकी कवाली का। चलिए देखते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं। अर्चना, इस बार मुझे ऐसा लगा कि करिश्मा यू आर फार सुपीरियर देन ख्याली। थैंक यू सो मच ख्याली। एक चीज़ में कमी मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि तुमने जो लाइन्स थी वो थोड़ा गैप के साथ डिलीवर कर रहे थे। तुम्हें जो तालमेल होना चाहिए उसमें थोड़ा सा जो गैप है उसको कम करना चाहिए, और इनटू द कैरेक्टर तुम नहीं घुस पाए जितना अच्छा करिश्मा तुमने घुसा। थैंक यू सो मच। आई विल गिव यू 1 mark एक्स्ट्रा फॉर करिश्मा। थैंक यू सो मच। 8 points। सतीश जी। जी सबसे पहले तो मैं दाद देता हूँ आप लोगों के कपड़े की। Thank बिल्कुल आपके कपड़े बहुत कैरेक्टर में थे, और जैसे अर्चना जी ने कहा आप कभी कभी कैरेक्टर से बाहर जा रहे थे, उसकी वजह से हाँ। आपके मार्क्स कटेंगे, मेरी तरफ से मैं भी आपको 8 दूंगा। थैंक यू सो मच। वाओ अनदर 8। जॉनी भाई। ये कवैल, इस कवैल में कमी सुर की थी और ताल की भी। नहीं बायखल्ला, ये बायखल्ले में उतर गए, विटी से पहले उतर गए, तो थोड़ा सा गड़बड़ था, और अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपको भाईजान बुरा मत मानिएगा, तवज्जो चाहूंगा आपसे। 7 points। शुक्रिया ख्याली। थैंक यू। स्टूडियो ऑडियंस, आई होप आप भी वोट कर रहे हैं, आपके स्कोर्स आपकी फेवरेट जोड़ी को एलिमिनेशन से बचा सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द कॉमेडी शॉप, Swapnil Joshi and VIP.
वेलकम टू इंडियन आइडल 3. मैं हूं अनु मलिक. और मैं हूं जावेद अख्तर. मैं समझता हूं अनु जी कि आज जो इंडियन आइडल 3 में कंटेस्टेंट्स आए हैं वो बहुत ही नेक है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही फनकार हैं. आप क्या समझते हैं? नो नो, आई थिंक मैं ये समझता हूं कि ईस्ट और वेस्ट, अनु मलिक इज द बेस्ट. अनु जी नमस्ते. जावेद जी आदाब. क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? ठाकुर बलदेव सिंह. मैं समझता हूँ कि ये नाम मैंने पहले कहीं सुना हुआ है. जावेद साहब, ये आपका सुना हुआ नाम नहीं है, ये आपका लिखा हुआ नाम है. आपकी फिल्म शोले का कैरेक्टर है जिसका म्यूजिक अब मैं चोरी क्या नहीं, मेरा मतलब है जिसके म्यूजिक से मैं इंस्पायर होने वाला हूँ. अगर आप लोग की किट किट बंद हो तो मैं गाना गाऊ. या ओके ओके म्यूजिक. या तो मैं खोया रहता है, मुश्किलें पैदा करता है, निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा. No, I think very bad. ये जो आपने निकम्मा अलग से गाया, I think it's very bad. वो बहुत बहुत सुर खटका मुझे. I think इस गाने को आपको ऐसे गाना चाहिए था कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है. आई थिंक आपको इस गाने को ऐसे गाना चाहिए था. अनु जी, मैं समझता हूँ कि हम फिलहाल लिफ्ट को बंद करते हैं और हमारे अगले कंटेस्टेंट की ओर चलते हैं, जो है दादा मुनि साहब. अनु जी, दादा मुनि साहब हमारे बीच आए. दादा मुनि साहब वेलकम. छन पकैया छन से ये दोनों ज्यादा पकैया. अब देखो गाना गाएगा अशोक भैया. हाँ. मैं समझता हूँ कि जिंदगी है तो सांसें हैं, जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो सुर है तो संगीत है, संगीत है तो गीत है, लेकिन आपकी तो सांसों में ही गड़बड़ है. आप गाना कैसे गाएंगे? अरे सांसों की टेंशन मत लो, वो मैं गानों में एडजस्ट कर दूंगा. What, जावेद साहब, ये कोई लोन की इंस्टॉलमेंट है कि अगले किस्त में एडजस्ट कर रहेगा? Very bad, जावेद साहब. Anyways, music. दिल दीवाना दिन सजना के मानना. ये पगला है समझाने से समझे ना. मैं ऐसे समझता हूँ कि आपकी सोज और साज में थोड़ा फर्क था. अगर आपकी सोज आपकी साज के साथ मिल जाए तो बेहतरीन सुन का नगमा यहाँ पेश होता, लेकिन फिर भी आपने जो किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है, ऐसा मैं समझता हूँ. अनु जी, आप क्या समझते हैं? अरे जावेद साहब, आप क्या बोलते हैं मैं कुछ नहीं समझता हूँ. आप बोलते कम है, थूकते ज़्यादा है. No, but I think इस गाने को बहुत गलत गाया. I think इस गाने को ऐसे गाना चाहिए था कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है. Hey, who's this mad guy? ये कौन पागल आया? Hey, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ. तुम में से जज कौन है? No, not me, जावेद साहब. मैं समझता हूँ कि जज हम हैं, इसलिए हम सवाल हम पूछेंगे. क्या नाम है तुम्हारा? Hey, नाम से क्या लेना, सुर तो सुर होता है, क्या हिंदू का क्या मुसलमान का. Okay. गाना गाइए. ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. नो, जावेद साहब, व्हाट रबिश, गाना गाइए. ये गाना ही तो है. जावेद साहब, अगर ये गाना है तो बहुत घटिया था. नहीं, बहुत कमाल का गाना था. हम समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान के सुर को जो आपने यहाँ मिक्स किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है. बहुत बढ़िया गाना गाया आपने. बहुत मैं क्या बात कर रहे हैं आप जावेद साहब, आई थिंक नाना जी गए ना. हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ जावेद साहब. मैं मुझे ऐसा लगता है कि गाना गलत गाया. इस गाने को ऐसे गाना चाहिए था कि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है. एक मिनट अनु जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन आ गया हमारे शो में. मैं ये जोरदार तालियां बजाइए देवी और सज्जनों. अटल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अटल जी, आप इंडियन आइडल 3 में आप क्या कर रहे हैं? अटल जी, मैं भी इंडियन आइडल में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ. अटल जी, कमाल की बात है, क्योंकि मेरे समझ के हिसाब से तो आप इतनी बड़ी हस्ती है कि आप पे पब्लिक हस्ती है. आपको तो इंडियन आइडल 1 में आना चाहिए था. मैं तो चला था 1 के लिए था घर से, लेकिन आते आते 3 शुरू हो गया.
मैं समझता हूँ कि अटल जी आप शुरू कर दीजिए म्यूजिक. बार बार देखो हजार बार देखो ये देखने की चीज है हमारे दिल रुबा ताले हो. ताले हो ताले हो. I think Javed साहब this is bullshit. ये बहुत ही बुरा गाना गाया. ये जो आपने odd pause लिया पूरा ताल बिगड़ गया. I think ये गाना अगर आप ऐसे गाते तो ज़्यादा मज़ा आता कि ऊँची है building, lift तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ? एक मिनट दिल. ये गाना बहुत घटिया है. Javed साहब ये क्या कह रहे हैं? What is he saying? This is my song. मैं music director हूँ. ये गाना मेरा है. अरे यार ये मेरी कविता है. ये मैंने लिखी थी. पता नहीं कहीं से चोरी हो गई. एक्चुअली ये गाना ऐसे गाते हैं. ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं घुटनों में दर्द है घुटनों में दर्द है घुटनों में दर्द है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये पॉज है या गाना खत्म हो गया. हम पता करते हैं. तब तक शटर डाउन. ऊर्जा मार्क नहीं लेगा सतीश जी. तुम दोनों बहुत कमीने हो और इसकी सजा तुम्हें आगे जाके मिलेगी. हम नहीं देंगे. जिन जिन लोगों को आपने इस प्रोग्राम में घसीटा है ना वो देंगे. मगर जो बखूबी आप लोगों ने उनके जो नुक्स या गुड पॉइंट्स है उसका इस्तेमाल किया और आपकी मिमिक्री को बीच में अमलगमेट करके बहुत खूबसूरत किया. मैं आई कांट डू एनीथिंग बट गिव यू. अर्चना धन्यवाद. जस्ट द नॉवल्टी ऑफ योर आइटम इज वेरी 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 एक्सलेंट से भी ज़्यादा. क्या बोलूँ मैं आपको. थैंक यू मैम. एंड दिस इज प्योर टैलेंट दैट आई एम सीइंग. एंड आई थिंक इवन आई कैन से एनीथिंग मोर बट आई कैन जस्ट गिव यू द मार्क्स. अनदर 10. जॉनी भाई नकल में कोई कमी नहीं की आपने. ठीक है बहुत अच्छा किया आपने लेकिन पंचेस और अच्छे आने चाहिए थे उसमें. बाकी सुर में गाया आपने बहुत अच्छा किया बहुत बढ़िया. लेकिन जबकि ये ह्यूमर का प्रोग्राम है इसमें कॉमेडी पंच ज़्यादा चाहिए. मैं आपको 9 दूंगा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू जजेस. थैंक यू स्टूडियो ऑडियंस. थैंक यू सो मच. आप सबने बड़े बड़े उस्तादों के नाम तो सुने ही होंगे भाई. जैसे उस्ताद बप्पी उस्ताद हिमेश उस्ताद अनु उस्ताद किरण कर्माकर. क्या आखिरी नाम नहीं सुना? कमाल है. ऐसा कैसे हो सकता है? सी ग्रेड भोजपुरी सिंगर सुनील सावरा ने तो सुना है. सो प्रेजेंटिंग उस्ताद किरण कर्माकर और सी ग्रेड भोजपुरी सिंगर सुनील सावरा. झुमल डरिया तनिक देखो वो लड़कियों हमारी और या लंदन से लेके साउथ कोरिया भोजपुरी गाएगी सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया. ललन भोजपुरिया. ललन भोजपुरिया. अच्छा क्या करने के आए हो यहाँ पर? यहाँ क्या मार डालोगे क्या? मैं आपसे गाना सीखने आया हूँ गुरुजी. हाँ हाँ नहीं नहीं तुम्हें मेहनत की बहुत जरूरत है बहुत जरूरत है. क्या है तुम्हारे गले में अच्छा खासा दर्द है. अच्छा जब सुनते हैं तो कान में चला जाता है. घराना कौन सा है तुम्हारा? आप घराने की बात कर रहे हो? हाँ. मेरे गुरुजी तो भाड़े के मकान में रहते हैं. तभी तुम्हारा ये हाल है. नहीं तुम्हें मैं गाना सिखा दूंगा. हाँ पर नहीं तुम गा नहीं पाओगे. अरे मैं गा लूंगा गुरुजी. नहीं 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 गा नहीं पाओगे. अरे हम गा के सुनाते हैं. ये देखो दिखाओ. गाऊं? है? अबे क्या कर रहा है तू? मसल मैं गाने की बात कर रहा हूँ जिसमें ये मसल काम आता है. इन मसल्स का गाने से क्या लेना देना बताओ? ये बात मुझे नहीं शेखर सुमन को समझाओ. हैं? गाने का क्या लेना देना मसल का? अभी वो ब्राजील गया था एक बम लाया बगल में खड़ा कर दिया घच दिसी एल्बम निकाल दिया. यार खड़ा रहे बिना कंपोज किए गाने के भटके हुए सुर. अब मैं गाऊंगा तुम पीछे पीछे गाओ. दिल धड़ा
धड़क धड़क के कह रहा है आ भी जा। अरे दिल धड़क धड़क के कह रहा है जा। अबे क्या कर रहा है तू, अपने दिल की बात कह रहा है ना? तू मोहल्ले के हिसाब से क्यों गा रहा है? अपने लिए गा, अपने लिए, अपने लिए। हाँ देखो अब सुर लगा। हाँ लगा। दिल धड़क धड़क के कह रहा नोट नोट नहीं है, नोट लगा। अच्छा नोट लगा, नोट नहीं है। अबे नोट मैं क्यों लगाऊं, नोट तो म्यूजिक कंपनी लगाएगी ना। टेम्पो में नहीं आ रहा है गाना, गाओ तो ट्रक लाऊं। ये ट्रक बोलता है ट्रक को, ट्रक बोल। ये क्लासिकल कैसे गाएगा ट्रक बोल? तुम नहीं गा पाओगे क्लासिकल। एक रैप सुनाऊं? रैप नहीं। अच्छा आप इतनी जिद कर रहे हो तो सुनाता हूँ। 4 3 2 1 तुम ताना नाना तुम ताना नाना तुम ताना नाना तुम ताई लगातार ठंडी हमें दे दे रजाई वो माई नींद नहीं आवा ता के उता सतावा ता कमरे में आई का बतिया बुझावा ता बार बार देखा ऊ चदरा उठावा ता चदरा उठाई का यहाँ खुजावा ता पता चला ऊ रहीन भौजाई वो माई वो माई ओ भाई चुप हो जा वरना कर दूंगा पिटाई। तुम नहीं गा सकते, गाना नहीं आएगा तुमको। गुरुजी हमसे गलती हो गई। हाँ। मैं छोटी सी चीज हूँ। हाँ। आप नाचीज हैं। अरे मैं बदतमीज हूँ, आप तमीज हैं। थैंक यू। आप जानदार शानदार वजनदार बहुत बड़े संगीतकार हैं। थैंक यू। ये बात अलग है कि आपको कोई जानता नहीं है, है? लेकिन आप टेंशन मत लो, मेरे साथ रहोगे ना आपको लोग जानने लगेंगे। है? मेरे पास ना गुरुजी एक भोजपुरी खटिया सॉन्ग है। खटिया? घटिया सॉन्ग? अरे खटिया चारपाई, खटिया सॉन्ग। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गाना बोलता हूँ, म्यूजिक दो। ठीक है नोट में देना। नोट में देता हूँ। लो। हाँ। चरर मरर 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 चरर मरर। अबे खटिया, अबे खटिया कहाँ है? खटिया खटिया चरर मरर। क्या नोट है? चरर मरर चरर मरर वाह, दाद देनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं हमारे जजेस आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं। भाई इस बार एक अच्छी बात थी कि आप दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल था, और सुर का प्रॉब्लम हमेशा आप लोगों को होता है। आई एम श्योर आप लोग रिहर्सल हर चीज़ की करते हो, तो आपने गानों की रिहर्सल क्यों नहीं की, सुर क्यों नहीं बिठाया म्यूजिशियंस के साथ? उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी कर्कश लगता है, यू नो, आपका गाना कितना भी अच्छा पैरोडी बनाया हो। ये इतने दूंगा अभी। 6 पॉइंट। थैंक यू। जॉनी भाई देखिए, सुर और ताल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि कॉमेडी में जायज़ है, आप इसको थोड़ा सा इसकी लिबर्टी ले सकते हैं आप, लेकिन एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है दोनों में। थैंक यू। क्लासिकल और रैप में अच्छी गोटी फंसी, हम सबको आई हंसी, तो मैं भी आपको देता हूँ ये गच्च दिसी। अर्चना किरण, मुझे तुम्हारा जो आई रियली एडमायर यू एज एन एक्टर, तो आपका जो टैलेंट है एज एन एक्टर वो मुझे पहली बार यहाँ पर नजर आया, और नजर आया जबान मत निकालो उसको आपने कॉमेडी में जो उतारा है वो बेहतरीन लगा मुझे। और सुनील, आपकी बार मुझे बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी बहुत पसंद आई, सो आई विल गिव यू, आई होप यू नॉट डिसअपॉइंटेड, बट आई डेफिनेटली वॉन्ट टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। 7 पॉइंट। थैंक यू उस्ताद जी, थैंक यू सिंगर साहब। हमारी अगली जोड़ी की मिसाल अगर घरों में दी जाने लगे तो उस घर का तो ऊपर वाला ही मालिक। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी कमोलिका एक दिन खड़ूस शकील के साथ गाना गाएगी? वेलकम उर्वशी ढोलकिया एंड शकील सिद्दीकी। अरे गरीब कवाल, बहन के जहेज के कपड़े पहन के आ गए। नमस्ते। सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज। काम शुरू करो। हेलो ऑफिस। क्या अच्छी लग रही हो? तुमको देखा तो एक गंदा ख्याल। माफी माफी माफी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और छापा पड़ जाए।
अच्छे भले गाने का अच्छा कचरा कर दिया तुमने। डांस अच्छा कर रही थी, तुम नाचो बहुत नाचो ताकि मेरे कर्जे उतर जाएं। अरे जाओ जाओ, इतने अच्छे अच्छे गाने आते हैं। एक को तो मैंने ही रिमिक्स किया है, गा के सुनाओ। सुना सुना। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी। बस कर जा अनु मलिक। इस गाने के वजह से मेरे दादी बिगड़ गई है। इन गानों की मेरी दादी मोहल्ले के बच्चों को देती है 10-10 रुपया, बेटे मुझे ना ऐश्वर्या राय कहा कर। बुढ़े बुढ़िया बिगड़ गए सर, बुढ़े गा गा के बेच रहे चीजें, तो बुढ़िया बन गया खाने के लिए, वो भी गा के आ रही है, बुढ़ा छोले बेच रहा है। छोले लो छोले ले लो, सात मोहल्ले छोड़ में तेरे छोले खाने आ गई, मैं तेरे छोले खाने आ गई। तूने जो डाली खटाई, तूने जो डाली खटाई, मैं तेरा पूरा ठेला खा गई। वेरी गुड। सीरियल में तू जायदाद खाती रही, अब ठेला खा गई। एक जवानी का गाना सुना। सुना दे। काटा लगा हाय लगा, चुप। बस बस बस, मैं तो उस बच्ची को भी सलाम करो जिसने ये गाना फिल्माया है। अगली को कांटा लग गया फिर भी एंजॉय करी लगा। बताओ, मैं कहता हूँ बहन कहीं साइड में बैठ के कांटा निकाल लो। या किसी लड़के से कह दो, एक को कहो कि 20 आ जाएंगे। कहाँ लगा बताओ ना, कहाँ लगा बताओ। ये काम तो हम सवाब समझ के करते हैं, बताओ तो सही। और बता भी नहीं रही लगा कहाँ है, बस कही जा रही है लगा। अच्छे खासे गानों का बेड़ा गरक करके, कितना अच्छा गाना था शुरू में, देखा तुमने? कौन सा? पहले फिल्मों में गाना था टाइट क्लोज, आंख और होंठ से गाने गा दिए पूरे। कभी और कभी पार लगा तेरे, गाना मुंह पे खत्म हो गया। अब ये गाना रिमिक्स हो गया है, दो दफा मुंह दिखाया, बाकी कैमरा नीचे रख के भूल गए। सारा गाना आर पार कर दिया। ऐसे गाने होते हैं? मतलब तुम्हें तुम्हारे पुराने सिंगर्स पसंद हैं? पुराने मीठे गाने होते हैं, दो दफा गाओ शुगर हो जाए। तो ठीक है, एक मीठी सिंगर है, उसका लेटेस्ट गाना सुनो। सुना सुना। अपने अंदाज में मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। बस बस आयो, बस आयो, बस सोए। परसों इस पे बड़ा झगड़ा हुआ है। अब क्या हुआ है? एक लड़की गा रही थी स्टेज पे, हाँ। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, 18 बुढ़े रंग का डब्बा लेके चढ़ गए। बोले भाई बताओ कहाँ से शुरू करें, बताओ हमें हुक्म करो बस, तुम खाली हम तो इसी काम से निकले, बताओ तो सही। बड़ी मुश्किल से समझाया वो गा रही, बोला अच्छा हम समझा ऑफर कर रही है भाई। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी आवाज नहीं पसंद है। अरे तुम अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझते हो। हम तो पैदाइशी हैं। मैं पैदा हुआ था, दाई ने कह दिया भाई सिंगर हुआ है। तो ठीक है, मैं गाना गाती हूँ। हाँ, क्या करूँ? तुम उसको गुलाम अली साहब के आवाज से। गुलाम अली हैं, गुलाम अली साहब। गाना कौन सा है? ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी। क्या करूं? करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। क्या? One two का four, four two का one। बस कर दे बेचैन रूह। गुलाम अली साहब कितने बड़े कलाकार हैं। हाँ। उनका मुंह देखा? नहीं। लगता कोफ्ते को कीड़ा पड़ा हुआ है। हिम्मत वाले फनकार, वही मुंह लेकर आया था हर चैनल पे। वो कैसे गाते हैं? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मैं वो तुम भी करो जी। वन टू का फोर, फोर टू का वन, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। वो कोई जा रहा था उनको बुला भी लेता ना। गा दिया। अच्छा ठीक है, इसी गाने को नुसरत फतेह अली खान साहब कैसे गाएंगे? वो कहाँ गाएंगे, वो तो मर गए। वो जब जिंदा थे जहाँ बैठते थे किसी का बाप नहीं उठा सकता था, वो जमीन उनकी हो जाती, भाई तुम्हें दे दिए, जब यही रख लो अपने पास।
वो मरे हैं स्वर्ग में गए, परियां बाहर आ गई। क्यों? अरे अकेले आदमी का काम नहीं है भाई, हम इनको झूला देते हैं, जाते हैं आते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक गुलकार है अताउल्ला इसखेलवी। ये कौन है? ये मैयतों पे गाता है सिर्फ, खुशी के गाने दे तो उसमें भी गम डाल देगा। बाजा पीछे होता है। पीछे क्यों होता है? चोरी का है ना। कितने अच्छे गाने होते पहले, जैसे गाने होते थे उसे यादाएं होती थी। हाँ हाँ। कितना प्यारा गाना था। कौन सा? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल ये तड़पाए, तेरी दो टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन। हालांकि जो औरत थी ना इस गाने में वो भी अंत थी, लेकिन शराबत से गा गई। आज ये गाना होता हमारी हीरोइन पे कैसा होता? कैसे होता बता। पकड़। ये क्या कर रहे हो? ये देख बस। प्रियंका चोपड़ा। अब ये गाना कैसे गाएगी? हाँ। आज के अगर अदाकारों पे होता तो कैसे गाती? कैसे? हाय हाय ये मजबूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। अरे बस करो बस करो। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल ये तड़पाए, मुझे पल पल ये तड़पाए, तेरी दो टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए 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 जाए। बस बस, मिर्गी की बीमारी हो जाएगी तुम्हें। नंबर मांग लो, नंबर। अब जो भी दें, दवाई दे दें, नंबर दे दें, कुछ भी दे दें। आइए, नीचे से मच्छरदानी पहनी हुई इसने। अर्चना, कैसी लगी आपको ये धमाकेदार परफॉर्मेंस? आई वॉन्ट टू से उर्वशी कि मैंने तुम्हें टेलीविजन पर देखा, तुम्हारी जो बाकी अदाकारी है वो तो है ही काबिल तारीफ, लेकिन जो आज तुमने किया है इट इज़ रियली वेरी 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 गुड, जोरदार, वेरी गुड। और शकील, तुम तो हमेशा ही बहुत बेहतरीन करते हो, अब की बार तुमने हरा हंसा हंसा के, मारोंगे अगली बार इतना हंसाया तो। यू आर वेरी गुड। एक दुनिया में हंसी तो है जिसका बिल नहीं आता है सर। एक मैं कहना चाहती हूँ कि हमको आई डोंट थिंक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज अलाउड विद पाकिस्तान, लेकिन आपको परमानेंटली इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। वाकई। एंड बोथ ऑफ यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू। और इसके लिए मैं आपको I don't want to give you anything wow. less than this. 10 points, excellent. Thank you. Very very fine, fine, fine. इसलिए मैं आपको दूंगा 9 points. एक थोड़ी सी कमी थी वरना मैं भी आपको 10 देता, लेकिन थोड़ा सा वेरी नाइस। रियली उर्वशी, आपने अपना वो पहलू दिखाया जो जिससे मेरे ख्याल से जनता वाकिफ नहीं थी। आपकी हाजिर जवाब पे तो मैं वैसे भी कुर्बान था, और आज आप लोगों ने 4 चांद लगा दिए, मैं आपको 9 दूंगा। 9 points. Congratulations, मुबारकबाद और शुक्रिया। थैंक यू उर्वशी। और अब एक नजर अब तक के जजेस स्कोर्स की टैली पर। आज हमारी लीडिंग जोड़ी है स्वप्निल एंड वीआईपी विद 29 पॉइंट्स। उनसे सिर्फ एक पॉइंट पीछे एट 28 आर उर्वशी एंड शकील। आवर थर्ड जोड़ी इज करिश्मा एंड ख्याली विद 23 एंड किरण एंड सुनील आर द लास्ट जोड़ी विद 21 पॉइंट्स। वेलकम बैक टू द म्यूजिकल पैरोडी स्पेशल ऑफ कॉमेडी सर्कस, जहां जोड़ी जमेगी, पब्लिक हंसेगी। और अब आज शाम की आखिरी जोड़ी अली असगर एंड काशिफ खान। आप कौन है भाई? मैं माइकल आल जैकिशान, फेमस पॉप सिंगर। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग अपने साथ बच्चों को लाए हो तो प्लीज बाहर भेज दीजिए। हे 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 हे, आई लव किड्स।
इसीलिए तो बाहर भिजवा रहा हूँ भाई। Please don't go, please मत जाओ। पादा भाई, तुम है कौन? मैं पी के उदास हूँ। पी के तो लोग खुश होते, तुम उदास क्यों? अरे मैं मशहूर गजल सिंगर हूँ, पी के उदास। My my my, गजल सिंगर, how boring! Boring? यानी कि ट्यूबवेल, सही पहचाना तुमने। गजल बोरिंग की तरह बहुत गहरी चीज होती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि मोहल्ले में नया माल आया। माल 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 माल, कितना तुच्छा है ख्याल। माइकल जैक्सन जैसी वॉइस, शकीरा जैसी मेरी चाल। एक मिनट, पहले आप ये फैसला कर लीजिए कि आपके अंदर माइकल जैक्सन ज्यादा है या शकीरा। वेरी फनी। मुझे पता है कि आप दोनों लोगों के काम आ सकते हैं, मर्दों के भी और औरतों के भी। सॉरी, काम कर सकते हैं। लेकिन एक जगह आके प्रॉब्लम होगी आपको कि अगर आप थिएटर की लाइन में औरतों में खड़े होंगे तो औरतों की चीख निकल जाएगी, और अगर मर्दों में खड़े होंगे तो आपकी चीख निकल जाएगी। तुम लोग है ना बेवकूफ लोग है, जो बात को खुशी खुशी कहनी चाहिए रोते रोते बोलते हो। सीधे सीधे बात करनी चाहिए, मुंह टेढ़े मेढ़े करके बोलते हो। ऐसे लगता है बोलने वाले को लकवा हो गया। अगर तुम में जरा सी भी काबिलियत है, जरा सी भी काबिलियत है तो गजल गा के दिखाओ। यू डब्बा बाटली सिंगर, तुम मेरे को चैलेंज करती, यू चैलेंजिंग मी। ठीक है चलो, and one two three four. Mary shirt be sexy, Mary band be sexy, Mary rumor be sexy, Mary child be sexy. ये गजल थी, अभी आ रही है, सुनो गजल। मेरा कुर्ता भी सेक्सी है, मेरा पैजामा भी सेक्सी है, तेरा कुर्ता भी सेक्सी है, तेरे फेफड़े भी सेक्सी है। तो अंदर तक चला गया ये तो भाई। ये लो। शुक्रिया शुक्रिया। What is this? 500 रुपीस? तुमको मालूम है जब मैं पहली बार गली में गाई थी तब भी मेरे को 1000 US डॉलर मिली थी। अरे ये गाने के लिए थोड़ी दिए हैं, ये तो चुप होने के लिए दिए हैं। Oh, this is too much. Thank you. और इसे संभाल के रखना, ये आज के शो का एडवांस है। देखा देखा, सब नहीं लाइन पे आ गया। अच्छा साफ साफ बताओ क्या गानी पड़ेगी मेरे को? अरे कुछ भी गा लेना, हमने तो वैसे साथ वाला घर खाली कराना है बस। और अगर आप भी अपना घर खाली कराना चाहते हैं तो फिर हम लोगों को जरूर बुलाइए। हम आपके घर में कितने भी चाहे पुराने किराएदार हों, अगर वो कब्जा करके बैठे हैं हम उनको जरूर भगा देंगे। इसके साथ इजाजत दीजिए किसी को, लगता है कि बाबा खुदा हाफिज़ ईमान शब्बा का निशा मौकूला जिंदगी अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़। जॉनी भाई, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। 7 points एनर्जी में और पंचेस में लोचे था। मैं बहुत कुछ सोचा था मगर क्या करूं, थोड़ा लोचे था। सत्य, पिछले एपिसोड के बाद मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी तुम दोनों से। जब तुम्हें मैंने गेटअप में देखा तब भी आई गॉट अप टू नोटिस व्हाट यू वर गोइंग टू डू, लेकिन जो प्रॉमिस इस गेटअप में थी वो मुझे पूरी होती हुई नहीं नज़र आई। सो आई विल हैव टू गिव यू 7 points। सतीश जी, मुझे आज ज़रा पंच में कमी लगी, जो पंचेस आपके थे वो कम हो गए। I think so. So, I will give you 6 points. Thank you, Ali. Thank you, Kaushik. Ladies and gentlemen, let's hear a huge round of applause for all these 5 jodis who took a brave step to stand up and do comedy. And this show ka wo mode jo mujhe bilkul bhi pasand nahi hai. The eliminations. Jodis. स्टूडियो ऑडियंस के स्कोर और जजेस के स्कोर्स की टैली इस वक्त मेरे हाथ में है और ये डिसाइड करेगा कि आज किस जोड़ी को हम कहेंगे अलविदा। स्वप्निल एंड वीआईपी, जजेस ने हमेशा आपको अच्छे पॉइंट्स दिए। फॉर्चुनेटली आज भी जजेस ने
आपको अच्छे पॉइंट्स दिए, पर ऑडियंस के टैली के बाद आप सेफ हैं विद 37 पॉइंट्स। किरण एंड सुनील, जजेस ने अब तक आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं दिए हैं। आज तक आपको या तो स्टूडियो ऑडियंस ने या फिर आपके साथियों ने बचाया है, और आज भी ऑडियंस ने आपको बचाया नहीं है, आपको पहुंचा दिया है डेंजर जोन में विद 27 पॉइंट्स। अली एंड काशिफ, जजेस ने आज आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं दिए, लेकिन क्या हमारी स्टूडियो ऑडियंस ने आपको बचाया है? अली एंड काशिफ, ऑडियंस के टैली के बाद क्या उन्होंने आपको बचाया? वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। फिलहाल करिश्मा एंड ख्याली, आपके पिछले सारे परफॉर्मेंसेस ने आपको डेंजर जोन से बचा कर रखा, लेकिन आज जॉनी भाई ने कहा कि उन्हें आप दोनों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑडियंस अगर चाहती तो आपको बचा सकती। क्या उन्होंने आपको बचाया? We'll come to that. उर्वशी एंड शकील, आज जजेस ने आपको दिए हैं 28 पॉइंट्स। स्टूडियो ऑडियंस ने भी आपको अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। आप डेंजर जोन में नहीं जाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली सेफ विद 36 पॉइंट्स। सो अली एंड काशिफ, करिश्मा एंड ख्याली, बचे आप दोनों। आप दोनों में से कोई एक सुनील और किरण के साथ डेंजर जोन में जाएगा। करिश्मा एंड ख्याली, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि द जजेस एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर फ्रॉम यू, पर हमारे स्टूडियो ऑडियंस ने अपने वोट से आज आपको बचा दिया है। यू आर एब्सोल्युटली सेफ विद 30 पॉइंट्स। अली एंड काशिफ, आप जाएंगे डेंजर जोन में। आज सबकी परफॉर्मेंसेस कमाल थी, दे वर यूनिक, लेकिन बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिशन, एवरीबडी कैन नॉट बी अ विनर। सो जोड़ीज, यू हैव टू वोट कि इन दोनों जोड़ीज में से आप किसे बचाना चाहेंगे। उर्वशी एंड शकील, आप इन दोनों जोड़ियों में से किसे बचाना चाहेंगे? Only to be fair, this is the second time Kiran and Sunil have gone into the danger zone. The first time we saved him, and I think he's in the same spot as Ketki ji was. And only to be fair, I will want to save Ali and Kashif. Ali and Kashif, आपको मिला है आपका पहला वोट। अब बची सिर्फ दो जोड़ियां, which means our second vote will decide कि whether Ali and Kashif will be back or will it be Kiran and Sunil next. Swapnil and VIP, आप इन दोनों जोड़ियों में से किसे बचाना चाहेंगे? लेट्स मेक दिस रियली शॉर्ट एंड स्वीट। जो उर्वशी ने कहा, आई अग्री डिटो। किरण को एक चांस मिला है, आई थिंक अली डिजर्व्स अ चांस। अली एंड काशिफ। ओके, सो दैट प्रीटी मच डिसाइडेड।
कि अली एंड काशिफ विल बी बैक इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. लेकिन करिश्मा एंड ख्याली, इट्स ओनली फेयर, अगर आपको चांस मिलता आप इन दोनों में से किसे बचाना पसंद करती? इफ यू आस्क मी, मुझे किरण और सुनील का इस बार का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर लगा था, बट we've given them one chance, so I think I'll go with Ali and Kashif. Okay, so it's a unanimous vote. Ali and Kashif, please back on stage. Aa jaiye. Kiran and Sunil, hame bahut afsos hai ki yahan par hum sabko आप दोनों से अलविदा कहना पड़ेगा. थैंक यू सो मच, इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू ऑन कॉमेडी सर्कस. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. किरण, जाने से पहले आप अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज हमें कुछ कहकर जाइए. बाहर तो निकला हूं मैं, पर इन लोगों का तो बिल्कुल ही सही है ये लोग कि हम लोग दो बार आ चुके हैं यहाँ पर. मुझे इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ पर आकर ऐसे अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूँ, इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, बस ये मेरा बहुत बड़ा फायदा है. थैंक यू वेरी मच. अगले शनिवार कॉमेडी सर्कस फिर कुछ नया लेकर आएगा और आप सबको खूब हंसाएगा, तो देखना मत भूलिए अगले शनिवार रात 9:30 बजे कॉमेडी सर्कस, जहाँ जोड़ी जमेगी, पब्लिक हंसेगी. गुड नाइट.